गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस 8th क्लास मैथ्स चैप्टर 13, एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 8। ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आर्टिकल्स को बनाने के लिए 42 मशीन चाहिए और वो 42 मशीन जो हैं एक पर्टिकुलर आर्टिकल को बनाने के लिए 63 डेज लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पूछा, हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। मीन्स अगर 54 डेज में हमने वो आर्टिकल बनाने हो, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो हमें कितनी मशीन्स चाहिए। तो बेटे यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ मशीन्स डेज हैं और मशीन्स हैं, पहले केस में 42 मशीन्स चाहिए आपको और वो 42 मशीन जो हैं आर्टिकल्स को बनाने के लिए 63 डेज लेती हैं। अब आपके पास वो कहता है कि वर्क 54 डेज में फिनिश हो जाना चाहिए, तो उसके लिए कितनी मशीन्स चाहिए। सो दिस इज इनडायरेक्ट वेरिएशन। व्हाई? अगर नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पर मशीन कम है, और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कम हो गए तो मशीन ज़्यादा हो रही हैं। सो इट इज़ इनडायरेक्ट वेरिएशन, ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है। सो इनडायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करेंगे, 63 प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज 63 इंटू 42 इक्वल टू 54 इंटू एक्स। 54 जो है ये ओवर में आ जाएगा, 63 इंटू 42 ओवर 54, दिस इज इक्वल टू एक्स। सो 9 × 9 = 54, 9 × 7 = 6 × 1 = 6 × 7 = 7 × 7 = 49। तो 49 मशीन जो हैं वो उनको चाहिए, 49 मशीन, दैट इज द राइट आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9th, इन क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है, ए कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ द 60। टाइम दिया एंड स्पीड दिया, हियर स्पीड एंड टाइम, कि कार है एक जगह पर पहुंचने के लिए अगर वो 60 की स्पीड से चले तो दैट विल टेक 2 आवर्स। कितने की